चलिए तो देखो बच्चा बाटी, आज हम सबसे पहले जो अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है क्या एक्चुअल में। तो कोई किसी भी बच्चे को कोई आइडिया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? कोई बता सकता है कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन के हम डिस्प्लेस होने पे हम जो इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने पे क्या क्या हो सकता है? मैम, जैसे मैम लोन पेयर होते हैं, और क्या होता है? मैम एटम्स पे प्लस माइनस का चार्ज आ हाँ, जाता है। एटम पे प्लस माइनस चार्ज आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो देखो, जैसे मान लो, सपोज दैट हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और हमारे पास एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैसा है? लूजली बॉन्डेड बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करे या कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैक करे तो ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा, और जब ये बॉन्ड तोड़ देगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सबको? तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है इसका मतलब ये है कि किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो किसी ना किसी पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो कोई भी चीज जब किसी पे अटैक करता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे अभी, ठीक है, अभी क्या हो रहा था, आपका युद्ध चल रहा था इतने दिन से। किसका युद्ध चल रहा था मालूम है आपको? यूक्रेन और रूस हाँ, यूक्रेन। यूक्रेन और रूस का। तो रूस को कुछ चाहिए था यूक्रेन से, इसलिए वो उस पर अटैक कर रहा था। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है तो या तो कोई अटैक करता है इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है, या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पॉसिबल होता है वहां पे। ठीक है, तो या तो देखो किसी इलेक्ट्रॉन के अटैक करने से कोई भी डबल बॉन्ड टूट के चार्ज डेवलप कर दे, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा, या कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैक करके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा। तो बच्चा बाटी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमारे फोर टाइप के हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हाइपर कंजुकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड देन रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को ये चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मैम, इसमें मैम प्लस माइनस का साइन ऐसा है कि मैम फर्स्ट वाले को ही मिलेगा या सिर्फ सेकंड वाले को? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन टूटेगा, जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रॉन इस तरफ ब्रेक किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इससे, तो जिससे जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव, ऐसे होता है। ठीक ओके है, मैम, तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, या तो किसी लूजली पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, या कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर दे उसकी वजह से होता है, या फिर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो उसकी वजह से होता है। तो इन सब कंडीशंस की वजह से, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्या तो यस हम मैम। ये कह सकते हैं, मैम फिनोमिनॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू, एक मिनट, ड्यू टू इन्फ्लोरेंस ऑफ अटैच्ड, ठीक है, एटम और ग्रुप। ठीक है,
इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इस घटना को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इफेक्ट। ठीक है बच्चा बाटी, अगर सबको समझ आ गया तो एक बार चैट सेक्शन में रिप्लाई कर दें प्लीज, फास्ट रिप्लाई। अब मान लो सपोज दैट, ठीक है, इधर तुषार है और इधर, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, सबने रिप्लाई कर दिया, गुड जॉब। इधर मोहित है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में बहुत सारा पैसा होने का मतलब होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो देखो मोहित के पास बहुत सारा पैसा है, लॉट ऑफ मनी। ठीक है, एक और एग्जांपल समझा रही हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए। और ये है तुषार, इसके पास पैसा नहीं है, तो मान लेते हैं ये है हमारी कार्बन की चेन, क्योंकि कार्बन के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये तुषार क्या करेगा, ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, मोहित। तो मोहित क्या करेगा, अपना पैसा कार्बन को देगा, क्योंकि अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो उसको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा वो, ताकि उसके पास और पैसा आए, और इलेक्ट्रॉन आए उसके पास। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे या उसको कोई पैसा दे जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो तो उसका वेलकम करेगा, बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि भाई उसके पास तो पैसा नहीं है, अगर उसे कोई दे रहा है तो उसके लिए अच्छी बात है। तो किसी के आने से या कार्बन चेन पर किसी तरह का इफेक्ट पड़े, तो मान लो ये सब्सिट्यूएंट यानी कि मोहित अपना पैसा कार्बन को देगा यानी कि तुषार को, और तुषार बड़ी हैप्पीनेस के साथ उस पैसे को लेगा। तो जब तुषार उस पैसे को लेगा तो इनकी पोलैरिटी में चेंज आएगा, ठीक है। अब पोलैरिटी में क्या चेंज आएगा भैया, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके के चेंजेस जहां पे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं इन दी केमिस्ट्री, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या ये बात क्लियर है यस मैम, यस ना? मैम, और जिंदगी में कभी भी किसी के बिना किसी का गुजारा नहीं चलता। अगर कोई ये सोचे कि मैं तो धीरू भाई अंबानी हूं, है भाई, या फिर कोई सोचे कि परवीन मैम तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाली हैं और बिना पैसे के उनके सारे काम हो जाएंगे, तो ये उसकी गलत फहमी है। ठीक है, लाइफ में हर एक इंसान की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हो अगर बहुत बड़ी, तो बिना एम्प्लॉय के आप उस कंपनी को रन नहीं कर सकते। अगर घर बना रहे हो तो बिना मिस्त्री के घर नहीं बना सकते, ठीक है, बिना कारपेंटर के फर्नीचर नहीं बना सकते। घर के काम के लिए झाड़ू पोछा करवाना है तो आपको मेड चाहिए, सब्जी खरीदने के लिए गरीब आदमी के पास जाना पड़ेगा। तो मतलब गरीब और अमीर दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है दुनिया में, अगर समझो तो। किसी के बिना किसी का काम नहीं चलता है। अगर गरीब लोग ये काम करना बंद कर देना तो अमीरों की फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, बंद हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, ये नेचर है। नेचर का मतलब ये है हर कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है और किसी के बिना किसी का काम नहीं चलता। एग्जैक्टली राइट, यस मैम, बिल्कुल सही बोल रही है मैम या गलत बोल रही है? सही मैम। इसलिए हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो गरीब है, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है, कोई भी। ईच एनी पर्सन इज यू शुड गिव रेस्पेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो देखो अब मैम अगर हम अगला टॉपिक देखें तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक आवाज नहीं। इफेक्ट, ये होते हैं आपके फोर टाइप के। ठीक है, पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दूसरा होता है रेजोनेंस। कल आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहना, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ सोच रही हूं कि क्या पता मैं कल एक्स्ट्रा क्लास ले लूं। अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं पूरे दिन में शाम में कभी भी आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर सकती हूँ, तो आप लोग कल के लिए रेडी रहना। ठीक है,
और आधे घंटे एक घंटे अगर मुझे लेनी होगी क्लास तो मैं एक डेढ़ घंटे पहले मैसेज करूंगी ताकि कोई बच्चा इधर उधर कहीं होगा तो उसे पता चल जाए कि हाँ भाई क्लास हो रही है। ठीक है बच्चा पार्टी। और एक और बात, अगर कल मैं क्लास नहीं लेती हूँ तो फ्राइडे की आपकी क्लास कंफर्म है, 2 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक परवीन मैम एक्स्ट्रा क्लास लेंगी, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, गुड इफेक्ट। तीसरा पॉइंट है बच्चा पार्टी, यहां लिख देती हूँ, वहां जगह नहीं बची है, मैम ने इतना बड़ा बड़ा जो लिख दिया है तो जगह कैसे बचेगी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेरिक इफेक्ट। ठीक है, और आजकल मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लास लेने के मूड में हूँ आपकी, क्योंकि मुझे आपको सीबीएसई में अच्छा स्कोर कराना है तो कराना है, और अवंती के टेस्ट में भी अगर मेरा मन हुआ तो कमिंग संडे भी एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, तो आप ये मान के चलो परवीन मैम के पास जब टाइम होगा तभी एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल कर देंगी। क्लियर है? यस मैम। गुड, ओके मैम। तो चलिए बच्चा पार्टी, तो देखो ये हैं 4 तरीके के इफेक्ट आपके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुकेशन और इलेक्ट्रोमेरिक। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, देखो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैकेनिक्स फंडामेंटल है वो बहुत छोटा छोटा सा है, डेफिनेशन एग्जाम्पल एंड दैट्स इनफ। ठीक है, और अभी जो कमिंग टेस्ट आएगा संडे में उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ आ नहीं रहा, और ये जो टॉपिक है इंडक्टिव फैक्ट हो गया, रेजोनेंस, हाइपर कंजुकेशन या टोटल ऑल मैकेनिक्स फंडामेंटल, इस टॉपिक को कराने के लिए कम से कम 10 से 15 क्लास चाहिए। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि अभी मैं सिर्फ आपको उतना कराऊंगी ये सारे टॉपिक मैकेनिक्स फंडामेंटल, जितना की आपका हो जाए 11th में आएगा और जितना अवंती के टेस्ट में आएगा। लेकिन बेसिकली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उस डिटेल को हम पढ़ाएंगे 1 अप्रैल से, क्योंकि ये सिर्फ एंट्रेंस में आता है उतना डिटेल में, ना तो इतना ज्यादा 12th में आएगा और ना सीबीएसई में आएगा। 12th में भी आएगा तो थोड़ा इससे ऊपर लेवल का आएगा, तो जब 12th में 1 अप्रैल से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो तब इन सारे टॉपिक को दोबारा से पढ़ेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ये बात क्लियर है मेरी सबको? यस मैम। यस मैम। गुड, तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहला इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, कि आखिरकार ये इंडक्टिव इफेक्ट किस बला का नाम है। ठीक है, तो चलिए इंडक्टिव इफेक्ट, तो देखो बच्चा पार्टी इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इंड्यूस्ड। क्या किसी को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड? इंड्यूस का क्या मतलब होता है? इंड्यूस का मतलब होता है शिफ्टिंग। हाँ बिल्कुल, शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट करना या तोड़ना। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट करता है इंड्यूस, और इंड्यूस किसकी वजह से करता है? ड्यू टू पोलैरिटी। ठीक है, किसकी वजह से कर रहा है बच्चा पार्टी? पोलैरिटी की वजह से इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन अगर आप किताब में पढ़ोगे तो बड़ी वाहियात सी लिखी है, तो वो बहुत ही कम समझ आती है डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन पे मैं फोकस कम करती हूँ, इसको समझाने पे ज्यादा करती हूँ। दूसरी बात, ये जो इफेक्ट है वो आपका परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, कैसा इफेक्ट है बच्चा पार्टी? परमानेंट इफेक्ट है। और सिग्मा बॉन्ड, बेसिकली जहां पे सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन टू कार्बन या एनी ग्रुप, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। पाई बॉन्ड के लिए इंडक्टिव इफेक्ट नहीं काम करता। तो पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़ते हो तो ये करता है इंड्यूस्ड, और होती है कोई भी चीज पोलैरिटी की वजह से, और जब पोलैरिटी होती है कहीं पे तो होते हैं चार्ज डेवलप, या तो स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो चार्ज डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं किसी ना किसी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ठीक है, एक बात बताओ, अगर सेम चार्ज की स्पीसीज हो, ठीक है, तो क्या वहां पे डिफरेंट चार्ज डेवलप हो सकते हैं? पोलैरिटी का डिफरेंस हो सकता है? अगर सॉरी
अगर एक हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तभी वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बन रहे हैं, अगर दोनों हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो वहां पे पॉजिटिव पोल ही बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। यस मैम। तो बच्चा बाटी सीधी सी एक बात है, एक नेगेटिव इंसान को दूसरा पॉजिटिव चाहिए और एक पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए। कोई भी नेगेटिव स्पीसीज पॉजिटिव से लगती है, पॉजिटिव स्पीसीज नेगेटिव से लगती है। अट्रैक्शन हमेशा दो डिफरेंट स्पीसीज में होता है, सेम स्पीसीज में अट्रैक्शन कभी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे मोहित से कहा जाए कि तुम तुषार का काम कर दो तो वो नहीं करेगा इतनी जल्दी, लेकिन अगर सबनम कहे या कोई कहे तो कर देगा। तो मतलब एक कॉमन थॉट है, ठीक है। हमेशा दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव के बीच में कभी नहीं होगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए और पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, दैट्स इट। आप सब बायो के स्टूडेंट हो, सब जानते हो, ठीक है बच्चा पार्टी। यस मैम। चलिए तो देखो, ये तो था इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं। और वैसे एक चीज और भी है, मैंने देखा है गर्ल्स टू गर्ल्स में बहुत जेलस कॉर्नर होता है। ये सब हमारे साथ भी होता था कभी, जब हम पढ़ते थे तो हम एक दूसरे से बड़ा वो करते थे, कहते थे कि इसके नंबर मुझसे ज्यादा नहीं आ जाने चाहिए किसी भी कीमत पे, टीचर के नजर में मेरी इमेज सबसे अच्छी होनी चाहिए, इस बच्चे की नहीं होनी चाहिए। आप लोगों में होता है ऐसा? यस मैम। तो चलिए अभी देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। अब देखो बच्चा पार्टी, अब मान लो सपोज दैट कि हमने एक एग्जांपल लिया कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब यहां हमने लगा दिया एक हेलोजन, तो आप लोग जानते हो ये जो हेलोजन है ये है इलेक्ट्रॉन का भूखा, ठीक है भाई। देखो हंसना मत परवीन मैम के ऊपर, मैम को हिंदी लिखना कम आती है, ठीक है, और जितनी आती है उतनी भी भूल गई हूँ। तो हिंदी में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो प्लीज हंसना मत, मैम को बता देना मैम ये गलत लिखा है आपने, ठीक है क्या? ठीक है, ये सिर्फ पढ़ाने का है। क्या कह रहे हो बेटा, कोई कुछ कह रहा है? नो नो मैम। गुड। तो देखो भाई हेलोजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के भूखे, उनको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अगर इसके आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो उसमें होता है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287 होता है। तो बच्चा बाटी इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि कोई इंसान अगर बहुत पैसे वाला है तो उसकी पैसे से हवस नहीं भरती, और पैसा चाहिए उसे, जितना मिल जाए उतना कम है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो अब देखो बच्चा बाटी आगे क्या होगा यहाँ पे, कि ये जो हेलोजन है ये क्या करेगा, और अभी परवीन मैम ने बताया था आपको कि हाई इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड पे बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड बच्चे पार्टी किससे बनते हैं? शेयरिंग से बनते हैं, या फिर पोलैरिटी की वजह से बनते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। शेयरिंग करते हैं ना हम इलेक्ट्रॉन की, या तो सिंगल या डबल या ट्रिपल की शेयरिंग करते हैं, और पोलैरिटी दो टाइप की होती है, या तो नॉन पोलर होगा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, या फिर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे। तो देखो ये कार्बन क्या है, जो हेलोजन है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बच्चा पार्टी इसके पास जो ये दो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, कार हेलोजन अपनी तरफ खींचेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाला साइन बढ़ जाएगा, तो इस पे कुछ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? सबको yes, ma'am. है ना। तो अब देखो जरा बच्चा पार्टी, अब भाई कार्बन भी बेचारा कोई करोड़पति घर से तो है नहीं, कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन इस किलो हेलोजन ने खींच ही लेगा बेचारा। कार्बन बेचारा ठहरा गरीब, ठीक है, और ये ठहरा ताकतवर, बहुत पावरफुल है भाई हेलोजन, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो अब बेचारा कार्बन क्या करेगा, इन वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को मांगेगा, तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे और ज्यादा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया,
अब ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींचते रहेंगे और इस लास्ट वाले के पास बेचारे के पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि x से जितना डिस्टेंस दूर होता चला जाएगा उतनी ही पोलैरिटी ठीक है डिक्रीज हो जाएगी, उतनी पोलैरिटी कम हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये कैसा इफेक्ट हुआ फिर, ये हुआ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। कैसा इफेक्ट हुआ, माइनस आई इफेक्ट हुआ, ठीक है ना। क्या कह रहे हो तो सर, कार्बन को नहीं चाहिए मतलब हेलोजन देखो मांगेगा तो ले कार्बन को, क्या लिखा है तुमने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारी चैट। तो देखो अब बच्चा पार्टी ये कौन सा इफेक्ट हो गया, ये हो गया माइनस आई इफेक्ट। तो मतलब माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और कार्बन बेचारा अपने साथियों से इलेक्ट्रॉन मांगेगा क्योंकि उसके पास भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। अब मान लो कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए, ठीक है, इसीलिए जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखते हैं, और जो प्लस आई होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो देखो मान लो अब इसके पास एक वाई है और ये जो वाई है वो इस कार्बन से ठीक है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वाई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेचारा, तो ये वाई क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन अगर इसे भी कोई इलेक्ट्रॉन दे दे और जुड़ जाए तो बच्चा पार्टी ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो गया नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन जब वहां पे होगी जब आपका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट कब लगेगा, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा बच्चा पार्टी उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आई आप सबको? यस मैम। तो अब देखो मैं यहाँ पे एक बात लिख रही हूँ कि जो इंडक्टिव इफेक्ट था आपका, इंडक्टिव इफेक्ट वो बेसिकली टू टाइप का होता है, ठीक है। पहला है प्लस आई इफेक्ट बच्चा पार्टी, और दूसरा है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट में कुछ ये होता है, मैं यहां लिख देती हूं, पुशिंग या फिर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यहां क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, याद रखना प्लस आई में, और यहां पे क्या होगा, पुलिंग या फिर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, प्लस आई इफेक्ट एंड देन माइनस आई इफेक्ट। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है प्लीज मुझे रिप्लाई कर दो जल्दी से चैट सेक्शन में। क्या बेटा? मैम ईडब्ल्यूजी, ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आगे लिखे लिखी जाएगी इसकी फुल फॉर्म, डोंट वरी, अभी तो मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको। पहले आप लोग ये बताओ यहाँ तक सबको पिक्चर क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो अब एक एग्जांपल देखते हैं प्लस आई का। अगर मान लो कि CH3 और CH3 और CH3 ले रहे हैं हम, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये है कि इस कार्बन को अभी और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसने क्या बना लिया, कार्बोकैटायन। यस मैम। और कार्बोकैटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, क्यों, क्योंकि उनको होती है इलेक्ट्रॉन की जरूरत, और उनके आउटरमोस्ट वैलेंस सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, उनका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता। और कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है सबसे ज्यादा, एल्काइल ग्रुप। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको। तो बच्चा पार्टी ये क्या है, 3 डिग्री एल्काइल है, पढ़ाया था ना मैंने, 3 डिग्री एल्काइल है ये बीच वाला कार्बन। तो देखो
इस कार्बन को ये तीनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे लेगा और इससे भी लेगा और ये क्या करेगा, इससे भी लेगा, ठीक है। तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो आप देखोगे बच्चा पार्टी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है, क्योंकि देखो तीन बॉन्ड है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके ऊपर, तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो आ नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और सबसे, ठीक है। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर 1 डिग्री में, और फिर बच्चा पार्टी किसमें होगा, मिथाइल में। क्या ये बात क्लियर है, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर पाएगा, सबको क्लियर है। और ये ऑर्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी ऑर्डर से पूछे जाते हैं, ठीक है क्या मैम? मतलब प्लस का चार्ज आएगा वो CH3 पे आएगा ना, किस पे आएगा चार्ज मैम? प्लस का चार्ज जो आएगा वो CH3 पे आएगा ना, मिथाइल ग्रुप पे, इस मिथाइल ग्रुप पे, इस पे मिथाइल ग्रुप पे, यस मैम। हाँ तो वो तो ये बेटा सारे ही प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं ना, ये सब प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहे हैं, और ये कार्बन इनसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या है, कार्बन, और कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर मान लो फ्लोरीन ले लें तो फ्लोरीन तो नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट, फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की है, ये तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और छीन लेगा, है ना। तो मतलब प्लस आई इफेक्ट आपको वहां देखने के लिए मिलेगा जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, कार्बन, यानी कि प्लस आई इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा जहां जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। यस मैम ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। अब शॉर्ट में मैं लिख देती हूं इसको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये था आपका क्या बच्चा पार्टी, प्लस आई इफेक्ट। अब देखो अगर प्लस आई इफेक्ट का आप ऑर्डर देखोगे, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा टर्शरी में, फिर होगा सेकेंडरी में, फिर होगा किसमें, CH3CH2 में 1 डिग्री में, और फिर होगा मिथाइल में, और फिर होगा ड्यूटेरियम में, और फिर होगा आपका हाइड्रोजन में। तो ये इसका ऑर्डर है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें देखने के लिए मिलेगा, और बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर 1 डिग्री में, फिर मिथाइल में, और फिर डी में ड्यूटेरियम, ठीक है। ये आइसोटॉप्स है, और किसका आइसोटॉप्स है, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्डर फिर भी मैंने लिख दिया फिर सबसे कम हाइड्रोजन में, ठीक है। सबको क्लियर हो गया ये प्लस आई इफेक्ट, कोई डाउट है तो पूछो, एवरीबडी हैज डाउट एनी? नो मैम। ऑर्डर की कहानी बता दो एक बार, ऑर्डर की कहानी ये है, एक बात बताओ, ये बेचारा 1 डिग्री कार्बन है, इसके पास एक ही कार्बन है, ठीक है, इसके पास अब मान लो तुषार है, तुषार के पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं, ठीक है, अगर वो उनको भी डोनेट कर देगा तो वो बेचारा क्या करेगा। तो जिसके पास जितना ज्यादा होगा देने के लिए उतना ज्यादा देगा, तो टर्शरी के पास 3-3 कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मिथाइल के पास एक ही है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा
और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब एल्काइल ग्रुप है। तो जिसके पास जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए वो क्या डोनेट करेगा बताओ? ओके मैम, डोनेट करेगा वो, नहीं करेगा ना? ओ मैम, बस इतनी सी कहानी है यहाँ पे इसकी, ठीक है? तो क्या इस कहानी में कुछ टफ था बताओ? नो मैम। तो अब देखो जरा आगे की कहानी। अब आगे की कहानी ये है कि अगर हम माइनस आई इफेक्ट पढ़ते हैं तो देखो, अब मैं आपको स्लाइड से बता देती हूँ थोड़ा। तो देखो ये वाले इसके केसेस हैं कुछ, ये देखो। प्लस आई इफेक्ट को अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। अगर आप ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट का देखोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, तो देखो सबसे ज्यादा किसमें है, सी एच टू कार्बन के अंदर है, फिर एनएच के अंदर है ग्रुप में देखोगे तो। अभी तो मैंने आपको बताया टर्सरी में, बताया टर्सरी मिथाइल ब्यूटाइल पेंटाइल में, अगर ग्रुप में देखोगे तो सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर एस्टर में, फिर इसमें, और फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए आंख बंद करके, ठीक है? क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि इसी ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें ट्राइटेनियम क्या है, ड्यूटेरियम क्या है, और ये सब क्या है, इनको हम एक्सप्लेनेशन को समझेंगे बाद में जब 1 अप्रैल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएगा कि किसका क्या ऑर्डर है उसके बेसिस पे, ठीक है? तो अब देखो आगे, अब देखो जैसे कि अभी मैंने आपको एक ऑर्डर पढ़ाया था पीछे, ठीक है ना? देखो यहाँ पे, ये देखो, अगर आप प्लस आई इफेक्ट को देखोगे, मान लो किसी क्वेश्चन में ये तीन तीन दोस्त दे दिए जाएं सिर्फ, तो इन तीन दोस्त में से सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें लगेगा? माइनस सी एच टू माइनस में लगेगा, अभी मैंने ऑर्डर पढ़ाया आपको, फिर इसमें लगेगा और फिर इसमें लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर आपको ये वाला ऑर्डर दे दिया जाए 3 डिग्री 2 डिग्री और प्राइमरी, तो आप देख सकते हो अभी पढ़ाया था मैंने, सबसे ज्यादा किसमें लगेगा प्लस आई? 3 डिग्री में, 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, और फिर मिथाइल में, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि पूरे ऑर्डर में से उसने सिर्फ एल्काइल एल्काइल का पूछ लिया या ग्रुप का पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी एबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, एज अ रिजल्ट विच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑफ कार्बन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द ग्रुप। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन वो होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मतलब रिलीजिंग ग्रुप होगा, वो सबसे ज्यादा ये होगा, क्योंकि इसके पास तीन तीन कार्बन है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्लियर है सबको? अब मान लो आइसोट्रॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आइसोट्रॉपिक में सीधा सा एक ऑर्डर है, वैसे तो अभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, ट्राइटेनियम में होता है, ड्यूटेरियम में होता है, हाइड्रोजन में होता है। और ये ट्राइटेनियम ड्यूटेरियम होता क्या है, इसको पढ़ोगे हाइड्रोजन में, ठीक है? क्लियर है भाई सबको ये बात? अब हम पढ़ते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब देखो माइनस आई इफेक्ट पढ़ते हैं, तो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच ले। तो बच्चा पार्टी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक ऑर्डर जो आपको याद करना है, वो है ये, ठीक है? ये पूरा ऑर्डर है माइनस आई का, और प्लस आई इफेक्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से, और कमिंग संडे के टेस्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, तो कैसे होंगे? मान लो ये क्या है, इसको पहचान रहे हो आप? कौन बच्चा बताएगा कि ये क्या है, बताओ जरा, कौन सा ग्रुप है ये? कौन बताएगा कौन सा ग्रुप है? श्री अमाइन। बहुत बढ़िया, किसने बताया ये? कोमल। कोमल, बहुत ही अच्छी बात कोमल, वेरी गुड। ये है बेटा टर्सरी अमाइन,
ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसके पास तीन आर हैं, ठीक है। तो देखो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन होती है लोन पेयर स्पीसीज, तो जितने भी कार्बन है उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा सबसे ज्यादा तेजी से, ठीक है। फिर ये हो गया अमोनिया, फिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी अमोनिया की है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन की थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि इसके बाद दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नाइट्रोजन से, तो ये इसका ऑर्डर है। अब आपको मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया एमसीक्यू में पहला कि ए ऑप्शन दिया उसने क्या माइनस एनओ टू, ऑप्शन बी दिया उसने क्लोरीन, ऑप्शन सी दिया उसने माइनस एनएच टू, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बस ये ऑर्डर याद होना चाहिए, जिंदगी में कभी इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ऑप्शन डी दे दिया उसने माइनस आई। तो बच्चा भाटी अगर मैं आपसे पूछूं इस ऑर्डर को देखते हुए कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इन चारों में से किस में लगेगा, तो बताओ क्या आंसर होगा आपका? NO2। NO2 में लगेगा, बिल्कुल तुषार सही आंसर, क्योंकि देखो ये क्लोरीन और अमोनिया और आई ये नीचे हैं, तो किस में लग रहा है सबसे ज्यादा, इसमें लग रहा है। अगर नाइट्रोजन के बाद पूछूं कि नाइट्रोजन के बाद इसको तुम्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो फिर नाइट्रोजन के बाद किस में लगेगा सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट? क्लोरीन में। उसके बाद किस में लगेगा? आयोडीन में। और फिर किस में लगेगा? ठीक है, तो इस तरीके से इस ऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, आपको माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा और उनका ऑर्डर भी समझ आ गया होगा। आगे सबको गुड। तो अभी देखो आगे, अभी मैं इस स्लाइड में कम से कम 30 क्वेश्चंस भी हैं जो आपको करने हैं। अब देखो ये तो अपने आप पढ़ लेना, ये उसने उसी ऑर्डर में से चीजें छांट दी हैं कि अगर NC और NO2 में से देखेंगे तो सबसे ज्यादा NC का होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम NH3 पॉजिटिव और NO2 में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि ये ऑर्डर में लिखा हुआ है इसी तरीके से। अगर हम इनमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, क्योंकि ऑर्डर के अंदर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन बाद में आ रहा है, तो ये सब चीजें तो अपने आप पढ़ लोगे। अब ऑर्डर समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो ये जो एस कैरेक्टर होता है इसको समझ लो कि जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा एसपी में होता है, फिर एसपी टू में होता है और फिर एसपी थ्री में होता है। अब इसका रीजन क्यों कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे 1 तारीख से, क्योंकि ना तो ये आपके सीबीएसई में आएगा और ना कहीं और आएगा, ये सब पूछा जाता है एंट्रेंस में, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस पी में होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ, ठीक है, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर बराबर होता है, फिर उसके बाद एस पी टू में होती है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एस पी थ्री की। तो एक तो ये वाला पॉइंट आप याद कर लेना, हो सकता है टेस्ट में आ जाए ये, लेकिन डायरेक्टली आएगा कि सबसे ज्यादा किस में होता है, तो ये वाले एग्जांपल भी सेपरेटेड हैं, ये आप खुद कर सकते हो, तो इनको मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अब मैं आ जाती हूँ सीधे यहाँ पे। अब देखो कि अगर हम इंटरमीडिएट आर क्लासिफाइड करें तो इंटरमीडिएट आपके दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट और इलेक्ट्रॉन रिच। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सबसे पहले कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, किसके दिमाग में आ रहा है ये क्वेश्चन? सबके दिमाग में आ रहा है इंटरमीडिएट होते हैं जैसे कि फालतू की चीज जिसका रिएक्शन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक बात बताओ आप, जब आप गाजर का हलवा बनाते हो तो गाजर को छीलते हो तो जो छिलका बचता है उसका कोई यूज है? नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम रिएक्शन बनाते हैं या लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट बन जाते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड बन जाते हैं
जिनका रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता, वो या तो बन जाते हैं और अपने आप खत्म भी हो जाते हैं, और या फिर बन के रह जाते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है एक तरीके से, उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अब इंटरमीडिएट दो तरीके के बन सकते हैं रिएक्शन में, एक तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या फिर जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस इंटरमीडिएट होते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चा पार्टी कार्बोकेटाइन, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें बोलते हैं कार्बन एनायन। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, वो डिपेंड करती है 3 डिग्री, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और फिर मिथाइल, ठीक है, और फिर ड्यूटेरियम, और फिर एच। तो बच्चा पार्टी एक बात बताओ, फिर कार्बोकेटाइन क्या शो कर रहे हैं आपका, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं या माइनस आई शो कर रहे हैं? बोलो, प्लस आई। प्लस आई, बिल्कुल सही आंसर तुषार, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, और इनका ऑर्डर भी है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो ये कैटाइन, कार्बोकैटाइन हमेशा प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। और जो एनायन होते हैं, अब देखो कार्बोकैटाइन क्या होते हैं, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे भाई, एक बार बताओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो बेचारा गरीब है, वो क्या करेगा, किसी पैसे वाले के पास जाएगा, उससे जुड़ना चाहेगा। अगर वो उससे जुड़ गया जिसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बेचारे का क्या होगा, उसका भी भला हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होते हैं, नेगेटिव स्पीसीज हमेशा पॉजिटिव से जुड़ती है, और पॉजिटिव स्पीसीज हमेशा नेगेटिव से जुड़ती है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, तो ये देते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब कार्बोकैटायन क्या होते हैं, एनायन, कार्बन एनायन क्या होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन खूब होते हैं, खूब पैसा होता है इनके पास, तो ये क्या करेंगे, ये गरीब लोगों को अपनी तरफ जोड़ते हैं, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उनके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो ये उनसे जुड़ जाते हैं, फिर उनसे काम कराते हैं, कुछ भी कराएं, जो भी है मतलब। तो ये क्या करते हैं, ये आपका पॉजिटिव स्पीसीज से जुड़ते हैं और ये नेगेटिव से जुड़ते हैं। तो कार्बन एनायन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन है उसे भी छीन लेता है, तो ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई, ठीक है। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड ग्रेटर देन 3 डिग्री, सबसे ज्यादा, सबसे कम किस में होगा, 3 डिग्री में। भाई जितना कम कार्बन होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, और जितना ज्यादा कार्बन होगा तो फिर उतना वो इलेक्ट्रॉन खींचने में भी दिक्कत होगी ना, कार्बन भी तो जोर लगाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने में, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब जो कार्बोकैटायन होता है वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट देता है, ध्यान रखना, और जो कार्बन एनायन होता है वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखी हुई है कहानी, आप पढ़ लेना खुद से, कि अ कार्बन इंटरमीडिएट विच कंटेन 3 बॉन्ड पेयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एंड नोन एज कार्बोकैटायन, इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज दे आर कंसीडर टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है इनके पास। अब बच्चा पार्टी फ्री रेडिकल की बात करें, तो फ्री रेडिकल क्या होता है, तो बच्चा पार्टी एक पॉइंट ध्यान रखना ये वाला, कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल इंक्रीज विद, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, एंड प्लस आई इफेक्ट। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है बच्चा पार्टी, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है, सेम होती, और दोनों ही प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। अब फ्री रेडिकल क्या होते हैं भाई, मान लो तुषार ने 50,000 रुपए लगाए एक फ्लैट को लेने में, और ठीक है मोहित ने भी 50,000 रुपए दिए, 1 लाख का फ्लैट दोनों ने खरीदा, ठीक है, दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन गया। एक दिन दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये बॉन्ड टूट जाता है, फ्लैट के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन ये फ्लैट के 2 टुकड़े नहीं करते, ये क्या करते हैं, 50,000 रुपए आपस में बदल लेते हैं, कि मतलब अगर एक व्यक्ति फ्लैट ले ले और उसको 50,000 रुपए दे दे, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो बच्चा पार्टी, तो सार पे भी एक फ्री रेडिकल आ गया और मोहित पे भी एक फ्री रेडिकल आ गया, तो इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है क्या?
वेरी गुड। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम समझते हैं आगे की कहानी को। तो ये तो परवीन मैम ने बताई दी सारी कहानी, अब आप ये भी मैं बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं प्लस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप देते हैं माइनस इफेक्ट। तो देखो ये वाली कहानी थ्योरी की अब वही है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसको आप अपने आप पढ़ लेना। अब आप देखो इस ये जो आज की स्लाइड है ये 100 पेज की स्लाइड है और मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, इसमें कम से कम 25 क्वेश्चन है जो आपके कार्बोकैटायन इंडक्टिव इफेक्ट पे ही है। और आपको देखो संडे से पहले क्या पढ़ना है, अगर मान लो मैं कल सपोज दैट 1 केस एक्स्ट्रा क्लास ले लेती हूँ आपकी और आपको कार्बोकैटायन वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस ये सब पढ़ा देती हूँ, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना। अभी संडे तक सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, आइसोमेरिस और इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से, और आपका क्या पढ़ना है आईपैक, क्योंकि कमिंग टेस्ट में सिर्फ ये 3 ही टॉपिक आ रहे हैं। बात क्लियर है सबको? Yes, तो अब बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कंसिडरिंग ओनली द इंडक्टिव इफेक्ट इज, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर कर रहा है ये ऑर्डर, बताओ जल्दी। प्लस आई को कंसीडर कर रहा है या प्लस माइनस आई को कंसीडर कर रहा है? प्लस आई। प्लस आई। कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल सही आंसर, प्लस आई को कंसीडर कर रहा है, क्योंकि देखो ये तो बेचारा मिथाइल है ना, तो 1 डिग्री है, अकेला है, और ये बेचारा 1 डिग्री है, ये बेचारा 2 डिग्री है, और ये बेचारा 3 डिग्री है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, और सॉल्यूशन और रीजन बाकायदा स्लाइड में खूबी अच्छे से लिखा है, आप अपने आप पढ़ सकते हो। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, बताओ जरा प्लस आई इफेक्ट, प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट कौन सा है, इसमें प्रेडिक्ट के कौन सा करेगा, किस तरीके से ऑर्डर लगेगा कि ये प्रेडिक्ट करें प्लस आई इफेक्ट को, बोलो। मान लो इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी और इसको दे देते हैं डी, तो बताओ क्या प्रेडिक्ट करेगा ये प्लस आई इफेक्ट, कौन सी स्पीसीज को प्रेडिक्ट करेगा? अरे कोई भी नहीं बोल रहा है मैम, मतलब सबसे ज्यादा कौन देगा? मैम फर्स्ट वाला, तो ए है। बिल्कुल, तो हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन एंड डी, लिख सकते हैं ना? यस मैम। तो देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, इस स्लाइड के सारे क्वेश्चन कर लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी, 3 डिग्री की 2 डिग्री की एंड देन 1 डिग्री की। ठीक है, गुड। अब देखो आगे, नेक्स्ट फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो बच्चा पार्टी ये कौन सी स्टेबिलिटी को बता रहा है, प्लस आई के लिए बोल रहा है या नेगेटिव आई के लिए बोल रहा है? बिल्कुल सही बात है भाई, माइनस आई के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो सबसे कम तो इसके अंदर होगी और सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, इसके अंदर। यस मैम, एस थ्री में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इसका भी रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ है सबसे ज्यादा किसमें होगी, मिथाइल कार्बन में होगी। अब देखो ये प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, सबसे ज्यादा किसमें होगी, मैंने आपको ग्रुप वाला ऑर्डर पढ़ाया था तो सबसे ज्यादा तो इसी में थी, और उसके बाद किसमें थी, NH में थी, और फिर उसके बाद किसमें थी, O में थी, तो इसका ऑर्डर तो यही सीक्वेंस में हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी इसका भी रीजन लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है ऑर्डर, तो आप देख के कर सकते हो। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे मेरी क्लास भी है, मैं तो तुम्हें पढ़ाती ही चली जा रही हूँ भाई। अब देखो फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अब बच्चा पार्टी अगर हम इसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करें, तो ये NO2 लगा हुआ है किस कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से, तो यहाँ पे डिस्टेंस इस नेगेटिव का और इसके बीच में कम है, ठीक है ना, तो यहाँ डिस्टेंस कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली अट्रैक्ट किए जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और इस NO2 और इस नेगेटिव में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अगर स्टेबिलिटी देखें तो बच्चा पार्टी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी और इसकी कम होगी। यस मैम, क्योंकि यहाँ पे ये 1 डिग्री से लग रहा है और यहाँ ये 2 डिग्री से लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
और रीजन अपने आप पढ़ लेना, ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है रीजन, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, अब मैं तुम्हें फटाफट दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, कम से कम 25-30-40 क्वेश्चन ये स्लाइड के अंदर दे रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं, ठीक है क्या? यस मैम। अब एक बात बताइए, कोई ऐसा बच्चा जिसको आज की क्लास में कोई दिक्कत थी, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया? हाँ बेटा, क्लास एंड कर दी रुचि मैंने, सबको समझ आ गया? एक बार आप लोग बोल के दिखाएं मुझे जल्दी से। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे, और ये ऑर्डर आप दोनों का अच्छे से याद कर लेना, ऑर्डर याद हो गया तो बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एडवांस में आपको हैप्पी